Rahul Ajay Tripathi is the all-rounder here. 10 bid, thank you, RPS, say 10. And sold it is. 351 प्लेयर्स के नाम आए और गए. लिस्ट का आखिरी नाम राहुल त्रिपाठी, एक ऑलराउंडर जो ना ही एक मिस्ट्री बॉलर थे, इनफैक्ट वो बॉलर ही नहीं थे. महाराष्ट्र के तरफ से खेलते हुए उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट 120 था. आखिरी चार साल में उन्होंने सिर्फ 13 T20 मैचेस खेले थे. कोई उन्हें नहीं जानता था, लेकिन फिर भी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 10 लाख के बेस प्राइस पे उन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया. वजह, लोकल मैच में उन्होंने एक ओवर के 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, वो भी एक बार नहीं, दो दो बार. राहुल अजय त्रिपाठी का जन्म 2 मार्च 1991 को झारखंड के रांची शहर में हुआ. पिता अजय त्रिपाठी आर्मी में थे और माँ सरोज त्रिपाठी एक हाउसवाइफ हैं. पिता अपने जमाने में एक क्रिकेटर थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंडर 22 साइड को रिप्रेजेंट किया था. राहुल का बचपन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बीता. जब वो 9 महीने के थे तभी से उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में साफ दिख रहा था. उस वक्त वो पेंसिल को बैट और इरेजर को बॉल बना के खेलते थे. राहुल को सभी गेम्स खेलना पसंद था, लेकिन क्रिकेट के लिए एक खास लगाव था. उनसे कहा जाता था कि पढ़ोगे तो खेलने को मिलेगा, इस वजह से वो अपने एकेडमिक्स में भी अच्छे थे. क्रिकेट के प्रति बढ़ती इंटरेस्ट को देखते हुए पिता ने 9 साल की उम्र में उन्हें लखनऊ के एक क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया. अपने बैटिंग स्किल्स से बहुत ही जल्द उन्होंने कोचेज को इम्प्रेस किया. साल 2000 में एक इमरजेंसी सिचुएशन के वजह से पिता की पोस्टिंग श्रीनगर हुई. जब फैमिली लखनऊ छोड़ के श्रीनगर शिफ्ट कर रही थी तब राहुल के कोच ने उन्हें लखनऊ में ही रहने देने की रिक्वेस्ट करी. कहा कि इस लड़के में टैलेंट है, अभी तो खेलना शुरू किया है, इसे यहीं रहने दीजिए, ये हायर लेवल्स तक खेल सकता है. लेकिन इतने छोटे उम्र में पिता राहुल को अकेले लखनऊ में नहीं छोड़ना चाहते थे. श्रीनगर की आर्मी कैंट में बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं होता था. हालात अच्छे नहीं होने के वजह से बाहर जाना अलाव नहीं था. नतीजा 3 साल श्रीनगर में राहुल को इस गेम से दूर रहना पड़ा. साल 2004 में पिता की पोस्टिंग पुणे में हुई. पुणे शिफ्ट करने के पहले ही दिन पिता अजय त्रिपाठी ने राहुल को डक्कन जिमखाना के क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया. वहां कोच केदार जोगलेकर और हेमंत अठालिया के अंडर उन्होंने वापस से अपने प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग को शुरू किया. राहुल ने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे से की. आर्मी स्कूल होने के वजह से दोस्तों के बीच क्रिकेट की ज्यादा बातें नहीं होती थी. एक दिन महाराष्ट्र अंडर 15 का ट्रायल्स था, राहुल को इस बात की खबर नहीं थी. कोच ने राहुल के पिता को कॉल किया और पिता ने स्कूल में फोन करके राहुल को इत्तला किया. जैसे तैसे करके पिता ने स्कूल में राहुल के पास किट बैग पहुंचाया और उन्हें ग्राउंड पहुंचने को कहा. पीछे से पिता भी वहां पहुंचे. शाम हो चुकी थी और ट्रायल्स खत्म पर ही था. बहुत रिक्वेस्ट करने पे सेलेक्टर्स उनका ट्रायल लेने के लिए तैयार हुए. राहुल बहुत नर्वस थे. उन्होंने सिर्फ 3 शॉट्स खेली और सेलेक्टर्स ने उन्हें नेट्स के बाहर बुला लिया. बैटिंग टेक्निक से इम्प्रेस होकर उन्होंने राहुल को महाराष्ट्र अंडर 15 टीम में सेलेक्ट कर लिया. अंडर 15 और अंडर 17 लेवल पे उनका अच्छा परफॉर्मेंस था. अंडर 19 टीम के सिलेक्शन ट्रायल्स में वो आउट हो गए. इस कारण साल भर उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले. बचपन में 3 साल और अब 1 साल और पीछे होना, पिता को इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा. ये वो वक्त था जब राहुल को एहसास हुआ कि उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है. अगले साल अंडर 19 ट्रायल्स में अच्छा परफॉर्म करने के बाद अंडर 19 स्टेट टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया. उस सीजन राहुल ने खूब रन्स मारे. पूरे इंडिया के डोमेस्टिक अंडर 19 लेवल पे वो हाईएस्ट रन गेटर थे. लेकिन अंडर 19 की आखिरी साल होने के वजह से इंडिया अंडर 19 टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हो सका. राहुल निराश थे, लेकिन पिता ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया. उन्हें हमेशा ये भरोसा था कि राहुल बड़े लेवल के लिए बने हैं और उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो उस मौके को कैपिटलाइज जरूर करेंगे. जब पेरेंट्स का सपोर्ट और आप में टैलेंट हो तो आप कोई भी मुकाम हासिल करने की ताकत रखते हो. राहुल ने अपनी ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स में की. अब उनका अगला एम फर्स्ट क्लास खेलना था. 16 फरवरी 2010 को लिस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया. बड़ौदा के अगेंस्ट उस मैच में वो 0 पे आउट हो गए. 22 दिसंबर 2012 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया. पहले 2 डोमेस्टिक सीजन में उनके बल्ले से रन नहीं निकले. 2014-15 रणजी ट्रॉफी सीजन के 9 मैच के 14 इनिंग्स में उन्होंने 459 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 41.72, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल था. अगले साल के रणजी सीजन में भी उनका अच्छा प्रदर्शन था. 2016-17 रणजी ट्रॉफी सीजन के 7 मैच के 11 इनिंग्स में वो सिर्फ 185 रन बना सके विद एन एवरेज ऑफ 16.81. उन्हें ये बात पता थी कि इंडिया में क्रिकेट में कितना कॉम्पिटिशन है. उनके फ्रेंड चेतन कुरंडले ने एक बार कहा था
कि सेलेक्टर्स के नजर में आने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। ये बात राहुल के बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चलती थी। उस साल एक लोकल T20 मैच में उन्होंने जय बिस्त के एक ओवर के 6 बॉल पे 6 छक्के मारे। कुछ महीने बाद उरुली कांचल जैसे बड़े ग्राउंड में एक बार फिर उन्होंने ये कारनामा दोहराया। सभी लोकल न्यूज अखबार में राहुल त्रिपाठी के चर्चे थे। 2016 IPL ऑक्शंस के लिए राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने सिलेक्शन ट्रायल्स रखा। उस साल राहुल का सिलेक्शन नहीं हुआ। टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग से उन्होंने फीडबैक लेके वापस से अगले साल ट्रायल्स में हिस्सा लिया। ट्रायल्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। 20 फरवरी 2017 को IPL ऑक्शन के दिन 351 प्लेयर्स के नाम बोले जा चुके थे। आखिरी नाम राहुल अजय त्रिपाठी का था। RPS ने 10 लाख के बेस प्राइस पे उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। उनके पिता की बात सच हुई। IPL जैसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने के मौके को उन्होंने बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया। पूरे टूर्नामेंट के पावर प्लेज में उन्होंने सबसे ज्यादा रन मारे थे। सीजन के 14 मैच में उन्होंने 391 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 146.44, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल था। हाईएस्ट स्कोर 93 रन अगेंस्ट KKR। इस परफॉर्मेंस से उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिला और उसी कॉन्फिडेंस को उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में इस्तेमाल किया। 2017-18 रणजी ट्रॉफी सीजन के 5 मैच के 9 इनिंग्स में उन्होंने 450 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 50, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। उन्हें महाराष्ट्र के लिस्ट ए टीम का कैप्टन बनाया गया और कप्तान के तौर पे अपने पहले ही मैच में बंगाल के खिलाफ नॉट आउट 125 रन बना के टीम को 7 विकेट से मैच जितवाया। IPL में जिस भी टीम के लिए उन्होंने खेला, उस टीम के लिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। 2021 IPL में KKR की तरफ से खेलते हुए टूर्नामेंट के 17 मैच में उन्होंने 397 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 140.28। 2022 IPL के मेगा ऑक्शन से पहले प्लेयर रिटेंशन रूल्स के वजह से KKR को उन्हें रिलीज करना पड़ा और 40 लाख के बेस प्राइस से कई गुना ज्यादा 8.5 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। SRH के डिसअपॉइंटिंग सीजन में राहुल एक पॉजिटिव थे। टूर्नामेंट के 14 मैच में उन्होंने 413 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 158.24, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे और जिसका हर बडिंग क्रिकेटर को इंतजार रहता है। 17 साल डक्कन जिमखाना में नॉन स्टॉप ट्रेनिंग का फल उन्हें मिला। जून 2022 के आयरलैंड टूर के लिए उन्हें इंडियन टीम में शामिल किया गया। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने बचपन से ही क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया। पढ़ाई में भी कोई कोताही नहीं बरती। कंसिस्टेंट मेहनत, डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी से आज वो इंडियन टीम में डेब्यू करने जा रहे हैं। तो हम लोग प्रे करते हैं राहुल आने वाले वक्त में और बेहतरीन बल्लेबाजी करें, फास्ट बॉलर्स को यूं ही स्टेप करके छक्के मारें और इंडियन टीम के एक बेहतरीन बैट्समैन बन के उभरें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।